स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। और इस वीडियो में आपके साथ हम शेयर करेंगे हमारा जो स्वीडन से इंडिया की जर्नी जो है ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक एंड ऑल, कि कैसे क्या हमने किया और कौन से सब ऐसी चीज़ें हैं जो दिमाग में रखनी चाहिए। तो जैसे आप सबको पता है कि अभी ट्रैवल करने के लिए आपको RT-PCR टेस्ट करना पड़ता है, तो अभी हम लोग जा रहे हैं RT-PCR टेस्ट करने। तो हमारा जो RT-PCR टेस्ट है वो हमने किया था सिस्टर एल्सा से, मैं आपको लिंक नीचे डाल दूंगा, जो कि हमको पड़ा 890 करोना। लेकिन आप अगर एक्सप्रेस टेस्ट करोगे तो वो 1100 करोना होता है, उसका रिजल्ट आपको 4 घंटे मिल जाता है। बट अभी हम लोग जा रहे हैं, अभी हो रहा है 1 बज रहा है अभी दोपहर के, तो हमको रात के 9:30 बजे मिल जाएगा रिपोर्ट। तो चलते हैं, दिखाते हैं कैसे होता है कोविड टेस्ट। तो अभी हम लोग आए थे यहाँ पे टेस्ट करने, हमने देखा और यहाँ पे नाक से नहीं किया जाता, तो गले से ही लेते हैं एंटीजन टेस्ट के लिए नाक से, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है और बहुत इजी था, ऐसे कोई दिक्कत नहीं हुई। और बाकी अभी रात के 12 बजे से पहले हमें रिपोर्ट मिल जाएगा, तो आप नेक्स्ट डे आराम से लेके एयरपोर्ट जा सकते हो। और एक चीज़ मैं बताऊँगा कि हमने बुक जब किया था सिस्टर एल्सा से, तो वहाँ पे स्टैट्सहागन करके एक जगह वहाँ चूज़ किया था, बट हम जब वहाँ पहुँचे तो हमें मिला नहीं, फिर से हमें गमलास्तानी आना पड़ा। तो इससे बेटर है कि आप डायरेक्टली गमलास्तानी आ जाए। और यहाँ पे जो लड़की थी बहुत ही बिहेवियर उसका अच्छा था, बहुत ही अच्छा था, मतलब ऐसे हम लोग 10-15 मिनट लेट भी हो गए थे तो वो कुछ बोली नहीं हमें, तो चिल। तो अभी हम लोग जस्ट आए थे घर और हमने देखा, हमें मैसेज आ गया कि रिपोर्ट मतलब आ गया और नेगेटिव आया। एक्सप्रेस करने का कोई पॉइंट नहीं बनता, मतलब ये 1/2 घंटे मिल गया और एक्सप्रेस बोल रहे हैं 4 घंटे में, वो तो शायद और भी जल्दी हो जाएगा, बट 890 में अगर आप नॉर्मल कर रहे हो इट्स गुड। तो और एक बात मैं भूल गया कि और एक ऑप्शन है आपके पास, scantest.sc। मेरा एक फ्रेंड था वो भी वहाँ से किया था, तो उसको 695 पड़ा था, मुझे पता नहीं था, आज मुझे पता चला, उसने बोला मुझे। तो वहाँ पे करोगे तो ऑब्वियसली आपको 195 का मतलब कम पड़ेगा, क्योंकि मैंने जहाँ बताया वहाँ पे 890 पड़ रहा है। तो टिप वन है कि आप जहाँ पे सबसे सस्ता मिल रहा है वहीं से ही कर लो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे नेगेटिव मैटर करता है, वो लोग ये नहीं देख रहे आप कहाँ से कर रहे हो, तो वो एक चीज़। टिप नंबर टू है, अगर आप ये मेरा पर्सनल सजेशन है, अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, सपोज़ आपने टिकट बुक कर लिया, ठीक है, तो उससे 7-8 दिन पहले अननेसेसरी ट्रैवल ना करें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि अगर आप कहीं जाओगे तो बाई चांस अगर कोरोना हो जाता है या फिर पॉजिटिव आता है तो फिर पूरा ट्रिप बर्बाद होगा, ठीक है। तो फैमिली में किसी को भी होता है तो प्रॉब्लम हो जाएगा, तो इसलिए स्कूल अगर बच्चे जा रहे हैं या फिर आप ऑफिस जा रहे हो तो ट्राई टू डू वर्क फ्रॉम होम, और अगर आप ग्रॉसरी वगैरह करने जा रहे हो तो मास्क पहन के जाओ, एक तो सेफ है और दूसरा आप जब इंडिया जाओगे तो वहाँ पे मास्क पहनना पड़ता है, तो यहाँ पे थोड़ा प्रैक्टिस भी हो जाएगी। जो अभी हम लोग निकल रहे हैं, हमारे यहाँ से हम लोग स्टेशन से जा रहे हैं दूसरे स्टॉप अरलांडा एयरपोर्ट, बट हम लोग ले रहे हैं फ्लिक बुसाना, तो वो हमने बुक कर लिया था, सेंट्रल स्टेशन से भी ले सकते हैं, बट यहाँ से और यहाँ पे और एक स्टॉप है सेंट एरिक्स प्लान, हम लोग वहाँ से ले रहे हैं, तो एयरपोर्ट में मिलते हैं। हमारा हो गया है इमिग्रेशन, हो गया है और चेक इन हो गया। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पे हम लोग सोच रहे थे कि जो नेगेटिव RT-PCR टेस्ट है उसका प्रिंट आउट चाहिए, बट यहाँ पे नहीं चाहिए, तो मेबी दिल्ली में चाहिए हो, हाँ, तो इसलिए हमने कर रखा है, तो दिल्ली में देखते हैं, अगर बोलते हैं कर मतलब चाहिए तो मैं बता दूंगा, वरना नहीं चाहिए। अब जब टिकट बुक करोगे तो लिखा होगा कि अगर आप इंडिया जा रहे हो, मतलब लिस्ट ऑफ कंट्रीज़ है तो वहाँ पे इंडिया है, अगर आप इंडिया जा रहे हो तो आपको 4 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुँचना है, वैसे कुछ है नहीं, आप 2-3 घंटे जब होगा तब भी आ सकते हो। वो लोग इसलिए बोलते हैं कि वो मतलब एक मार्जिन रहे, सेफ रहे, ताकि लेट ना हो जाए, तो इसलिए 4 घंटे बोलते हैं, बट हम लोग आए 3 घंटा अभी है और मैं अच्छे से सोया भी नहीं था, बहुत नींद आ रही है, बट देखते हैं अभी। टिप नंबर 3, गेट अ गुड स्लीप बिफोर योर फ्लाइट। और हम लोग यहाँ पे मास्क लेके आए हैं और यहाँ पे बोला भी जा रहा है मास्क पहनने के लिए, तो हम पहन लेंगे अभी। और इमिग्रेशन में हमें कुछ भी क्वेश्चन नहीं पूछा, बट जो बंदी थी वो बहुत रूड थी, जो ऑफिसर थी वो बहुत रूड थी, मतलब ग्रीट भी नहीं किया, थैंक यू भी नहीं बोला, कुछ भी नहीं बोला। अभी बैठे हैं हम लोग, अभी तो फ्लाइट 8:40 को है,
तो बहुत टाइम है, इसलिए मैं बोल रहा था कि 4 घंटे पहले आके यहाँ पे कुछ नहीं करना। तो बोर्डिंग स्टार्ट हो गया और 8:40 को है फ्लाइट। हम लोगों ने बुक किया था कतर एयरवेज, तो वो हमें सस्ता भी पड़ा था और मतलब हमने ये सुना था कि वो इतना कैंसिल नहीं होता है, सो हमने वो बुक किया था और सही सलामत जा रहे हैं, देखते हैं पहुँचते ही। 40 मिनट पहले एंट्री कर रहे हैं, चल। जब मैं लास्ट टाइम इंडिया से आ रहा था तो वहाँ पे क्या हुआ था कि एक डेनमार्क की लड़की थी, वो चेन्नई से आ रही थी, तो बातचीत हुई। स्कूल की थी, मतलब स्कूल में पढ़ती थी वो, 10th या 11th। उन्होंने बोला ये चेन्नई क्यों मतलब गई थी, बोले कि मैं पिकनिक गई सीरियसली। और हमारे यहाँ हमें नंदनकानन, नंदनकानन पता एक ज़ू भाई, वहाँ लेके जाते थे। और यहाँ पे चेन्नई और बोले थे कि बहुत सारे लोगों को देहरादून। अच्छा, बैठे भाई हमारी, हम लोग आके फ्लाइट में बैठ गए और सीट थोड़ी सी अनकम्फर्टेबल है, अनकम्फर्टेबल सीट अच्छी है, लेग स्पेस कम है, मैं फिर लंबा हूँ इसलिए। अभी और भी 3 घंटे बाकी है यार। अपडेट ये है कि हम लोग अभी पहुंच गए हैं दोहा और यहाँ पे भी फ्लाइट बहुत सही था और खाना भी बहुत मस्त था, सब कुछ स्मूथ था। और सबसे बेस्ट चीज़ है कि हम लोग जब यहाँ पे सिक्योरिटी चेक इन किए तो हमें हमारा लैपटॉप भी निकालना नहीं पड़ा, तो इट वॉज प्रीटी स्मूथ। तो अभी वेट करना है फिर चलेंगे। जान निकल गई, इतना गंदा एक्सपीरियंस ना मेरा कभी नहीं हुआ, बताता हूँ। तो पहुँच गया हूँ मैं घर, घर मतलब नेहल के घर, भोपाल में हूँ अभी। तो मैं बताता हूँ उसके बाद क्या हुआ। दिल्ली में जब हम पहुँचे तो वहाँ पे सिनेरियो इतना डिफरेंट था बाकी कंट्रीज के हिसाब से। 2 बजे हमारी फ्लाइट पहुँची कतर से दिल्ली, तो कतर में हमने जब चेक इन किया प्रोसेस वाज स्मूथ, जैसे मैंने बताया 10 मिनट नहीं लगे चेक सिक्योरिटी चेक इन में। दिल्ली एंटर करती उस दिन संडे, एक्चुअली हम लोग ट्रैवल कर रहे थे तो हम लोग मंडे रात को पहुँचे, मतलब 2 बजे 2:30 को फ्लाइट पहुँच गई। नेक्स्ट फ्लाइट थी हमारी 6:55 को, मतलब 5:55 को थी लेकिन उसके बाद डिले होके 6:55 हो गई थी उस दिन। तो हम लोग फिर सोचे कि हाँ 2-3 घंटे है, इजीली हो जाएगा। उस दिन भाई साहब इतना केओस, इतना भीड़, कोई सिस्टम नहीं वहाँ पे, कोई सिक्योरिटी नहीं, लाइन लगी है ऐसे इमिग्रेशन में जैसे कोई मेला चल रहा हो, यहाँ से लाइन जा रही है, वहाँ से लाइन जा रही है, मतलब देयर इज़ नो सिस्टम, पूरा ख़राब। अगर आपकी फ़्लाइट कनेक्टिंग फ़्लाइट जो है 3-4 घंटे में है ना, तब भी आपकी फ़्लाइट मिस होने का चांसेस बहुत ज़्यादा ही है। तो हम लोग जब मतलब एंट्री किए दिल्ली, तो हमको वहाँ पे पहले तो हमें बोला गया था कि आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल करने के लिए और वहाँ पे सब कुछ करने के लिए, मैंने कर रखा था लेकिन कोई पूछा नहीं। तो वहाँ पे हमको एंट्री में पूछा गया कि आपके पास वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है कि नहीं, फाइनल वाला, और पासपोर्ट। तो अगर आपके पास वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट नहीं है और आपके पास इंटरनेट भी नहीं है तो वहाँ पे थोड़ा दिक्कत हो सकता है, बट हाँ मेरे पास भी नहीं था, मैंने एक हॉटस्पॉट लेके डाउनलोड किया, बट हाँ आप डाउनलोड करके रख ले या फिर आप प्रिंट आउट निकाल के रख ले। तो पासपोर्ट और वो हो गया तो कोई दिक्कत नहीं होगी अंदर जाने के लिए। और एक चीज़, अगर आपके पास एक है सर्टिफिकेट तो फिर वहाँ पर आपको टेस्ट करना पड़ेगा, अभी अगर 2 है तो आपको टेस्ट करना नहीं पड़ रहा है, तो वो एक अच्छी चीज़ है। तो टिप नंबर 4, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट विथ पासपोर्ट, फाइनल वाला। फिर वहाँ से हम लोग गए नीचे इमिग्रेशन करने के लिए। तो इमिग्रेशन में तो जो लंबी लाइन लगी थी भाई साहब, हमने सोचा कि हमारी फ़्लाइट तो मिस होनी ही है आज, इतनी लंबी लाइन।
फिर कैसे कैसे करके हम लोग इमिग्रेशन पहुंच गए लाइन में, और मतलब क्यू में खड़े थे हम लोग, पता नहीं कौन सा क्यू था वो, बट हो गया वहाँ पे। मतलब अगर लाइन में हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, मतलब वही लाइन ढूंढने में ही आधा टाइम चला जाएगा, फिर अगर फिर वहाँ पे जाओगे जब ऑफिसर के पास, फिर वो कुछ क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, सिंपली आपका बोर्डिंग पास देख रहे, नहीं बोर्डिंग पास नहीं यार, बोर्डिंग पास ही देख रहे थे और पासपोर्ट। तो वहाँ पे तो प्रोसेस 2 मिनट का था, बट ये लाइन में खड़े रहने में टाइम बहुत ज़्यादा चला गया, 1 घंटा अराउंड हमारा वेस्ट हो गया वहाँ पे। उसके बाद हम लोग फिर गए, मेरी जो नेक्स्ट फ्लाइट थी वो थी एयर इंडिया की, ठीक है, तो वहाँ पे ट्रांसफर्स लिखा था, तो हमने जो एयर इंडिया का फ्लाइट टिकट बुक किया था वो ऐसे कनेक्टिंग नहीं था, मतलब वो एक सेपरेट टिकट था, तो वहाँ पे भी हम लोग लाइन में खड़े थे। फिर जब लाइन हमारी सामने आई, मतलब हमारा जो नंबर आया, तो मुझे बोलती है कि एक लड़की, आपका तो कनेक्टिंग फ्लाइट नहीं था, आपका तो नया फ्लाइट था, तो इस आपको तो नया फ्लाइट है तो आपको सेकेंड फ्लोर जाना पड़ेगा नॉर्मल चेक इन करने के लिए। जबकि मेरा फ्रेंड भी सेम चीज़ किया था, लेकिन वो विस्तारा के थ्रू किया था, उसका वहाँ पे हो गया, तो वो एक कन्फ्यूजन है वैसा क्यों हुआ एयर इंडिया के लिए। मैं बोल रहा हूँ ना, बहुत किया उसे, पता नहीं बाकी लोग जब ट्रैवल किए हैं उनका क्या सिचुएशन था क्या नहीं, बट मैं जब मंडे ट्रैवल कर रहा था, मेरी कतर और एयर इंडिया थी नेक्स्ट, तो ये सब हुआ था मेरे साथ। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि अगर आप वीकडेज़ में ट्रैवल कर रहे हो, तो ये भी एक टिप है, अगर आप वीकडेज़ में ट्रैवल कर रहे हो, आई थिंक थोड़ा सा रश जो है वो कम रहेगा, तो इजीली आपका प्रोसेस हो जाएगा। और डिपेंड करता है आप कौन से एयरपोर्ट जा रहे हो, बैंगलोर अगर जा रहे हो, या फिर अगर आप दिल्ली उतर रहे हो, तो फिर तो बहुत बढ़िया है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपकी कनेक्टिंग फ़्लाइट हो तो उस हिसाब से देखना पड़ेगा। हमने ये सब कंप्लीट किया, फिर हम लोग गए सिक्योरिटी चेक इन के लिए भोपाल की फ़्लाइट के लिए, तो वहाँ पे भी लाइन, गजब की लाइन उस दिन, पता नहीं दिल्ली से इतने लोग कहाँ कहाँ जा रहे थे सुबह 6:30 बजे। सिक्योरिटी चेक इन में अगर आपके पास कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक्स हो ना, वायर्स वगैरह, चार्जर, ये सब तो आप चेक इन बैगेज में डाल सकते हो, पावर बैंक और बैटरीज वगैरह हाँ रख सकते हो कैबिन बैगेज में। हाँ, तो मैं वहाँ पे ड्रोन लिया था मैंने, और मेरा गोप्रो था, और एक नया गोप्रो था मेरे फ्रेंड के लिए मैंने लिया था, तो सब कुछ वहाँ पे चेक हुआ, लेकिन कस्टम में मेरा सामान नहीं गया, बट वहाँ पे लोगों का सामान कस्टम में भी जा रहा था। अगर आपके पास बहुत सारा सामान हो तो वो लोग कस्टम में भेज रहे थे, बट हमें वो कस्टम के थ्रू जाना नहीं पड़ा। इलेक्ट्रॉनिक्स लाना कोई मतलब प्रॉब्लम की बात नहीं है, बट हाँ वो लोग थोड़ा खिचखिच करेंगे कि इतने सारे हैं आप सब खोल के दिखाओ, जैसे गोप्रो के मतलब पैकेजिंग था तो उसके नीचे खोल के दिखाओ, बहुत सारी चीज़ें। बट फिर भी वहाँ पे 20-25 मिनट लग गए हमें सिक्योरिटी चेक इन कंप्लीट करते करते। तो ये सब सीन था जो हमने अर्लांडा और दोहा में जो एक्सपीरियंस किया था, यहाँ पे कम्प्लीटली अपोजिट था। अगर आप लोग कहीं जा रहे हो, अब अगर आप लोग भी ट्रैवल कर चुके हो, तो मुझे बताओ कि आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा था, ताकि लोगों की मदद हो कमेंट सेक्शन में। तो आखिरी चीज़ जो मैं यहाँ पे शेयर करूँगा, जो एक टिप है मेरी तरफ से, कि एक पॉजिटिव एटीट्यूड ट्रैवल करने से पहले। जैसे मैंने देखा है कि फेसबुक में बहुत सारे ग्रुप्स है, एयर बबल ग्रुप और इंडियंस इन स्वीडन, बाकी बहुत सारे ग्रुप्स है, तो वहाँ पे ना लोग आके बहुत सारा क्वेश्चंस करते हैं कि मेरी फ़्लाइट ये है, क्या सीन चल रहा है क्या नहीं। मैंने ना जब टिकट्स बुक कर दिया, उसके बाद मैं वो ग्रुप में बिल्कुल, मैं कभी देखा भी नहीं उस ग्रुप में क्या चल रहा है क्या नहीं, क्योंकि आप एग्ज़ाम देते हो, राइट, आप एग्ज़ाम दे के जब आ जाते हो, जब आप देखते हो कि क्वेश्चंस के आंसर, डिस्कशन में मैं पार्टिसिपेट नहीं करता हूँ, क्योंकि क्या होता है कि जितने दिन तक रिजल्ट नहीं आती है, मेरा दिमाग ख़राब रहता है कि आपकी ये क्वेश्चन गलत हो गया, आपका वो क्वेश्चन गलत हो गया। तो आप जब तक एग्ज़ाम नहीं दिए हो, हाँ ठीक है, तुम जाके वो देख सकते हो कि क्या चल रहा है क्या नहीं, जब तक आप टिकट बुक नहीं किए हो, आपकी आप पूरा जो जितना भी इन्फॉर्मेशन है वो गैदर करो। लेकिन वंस यू बुक योर टिकट, प्लीज़ डोंट गो थ्रू दोज ग्रुप्स एंड मैसेजेस, मतलब ये बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी क्रिएट करता है कि टिकट हमने कर लिया है और कैंसिल हो रही है फ़्लाइट, जबकि आप जिस डेट में किए हो उस डेट में कैंसिल नहीं हो रही है। फिर भी सपोज़ आपने 20 की है और 19 की टिकट कैंसिल हो रही है, तो ऑब्वियसली आपको बहुत टेंशन होगा। तो बट एक चीज़ है कि अगर 19 की टिकट कैंसिल हो रही है, इसका मतलब नहीं 20 की टिकट भी कैंसिल होगी, ठीक है। तो जब तक आपको एयरलाइन से कुछ नहीं आता, इट्स लाइक कि आपकी टिकट कन्फर्म है और आप अननेसेसरी टेंशन ले रहे हो।
तो ये एक चीज़ है कि पॉजिटिव एटीट्यूड रखो कि हमने टिकट बुक किया, क्योंकि आज के टाइम पे ऑब्वियसली ये बहुत ज़्यादा नीडेड है। आपने अगर टिकट बुक किया है तो वेट करो एयरलाइन के रिप्लाई का, अगर उनकी तरफ से कुछ आ रहा है, वरना तो आप बिंदास चिल मारो, आराम से ट्रैवल कर सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। तो यही था मेरी तरफ से, और बाकी अभी स्वीडन से तो वीडियोस नहीं आएंगे क्योंकि मैं अभी भोपाल में हूँ। अभी थोड़े दिन में मैं भुवनेश्वर चला जाऊँगा, तो हो सके तो वहाँ से वीडियो कुछ अपलोड करूँगा। सोचा हूँ कि भोपाल में कहीं कहीं घूमूँ और यहाँ के फूड एक्सप्लोर करूँ। आप लोग बताओ, अगर आप भोपाल से हो तो कमेंट सेक्शन में मैं कहाँ कहाँ जाऊँ। बाकी अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करना, ज़रूर शेयर करना, जो कोई भी ट्रैवल कर रहे हो या फिर आपको पता है कि कोई ट्रैवल कर रहा है तो उनको डेफिनेटली ये हेल्पफुल रहेगा। बट मैं ये बता सकता हूँ कि मतलब जितना हम सोच रहे हैं कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स आएगी, ये होगा वो होगा, इतनी सारे चेक्स होंगे, बट इतना कुछ नहीं है। सिंपल सी चीज़ें, आप अपना वैक्सीनेशन करके रखो, सर्टिफिकेट डाउनलोड करके रखो, PCR टेस्ट रखो, फिर वो कंसेंट फॉर्म कोई चेक नहीं किया बट आप वो भी रख सकते हो, बाकी पासपोर्ट वगैरह सब रखना अच्छे से, और अननेसेसरी ट्रैवल मत करना अपने ट्रैवल इंडिया ट्रैवल से 5-6 दिन पहले, और सब बढ़िया होगा। ठीक है, चलो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।